हाय फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब लोग। तो मैं आप सबका स्वागत करता हूँ मेरे चैनल फोर लर्नर में। तो पहले तो ये पार्ट टू है, पहले ही बता देना चाहता हूँ। और इससे पहले वाले पार्ट में हमने जो कवर किया था वो था इलेक्ट्रिसिटी का बेसिक एक डिफिनेशन, इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक चार्ज का प्रॉपर्टी, ये सब हम लोगों ने देखा था। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक करंट और डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में हम लोग इसमें बात करेंगे, ठीक है। तो ये हम लोग का पार्ट टू है। अब ज़्यादा देरी करते हुए ना मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है पहले ये जान लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, अगर देखो किसी किसी एक चार्ज को, कोई एक पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे, किसी पार्टिकुलर पॉइंट के इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने के लिए जितने अमाउंट का वर्क डन होता है ना, वो क्या कहलाता है हम लोग को, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। एक बार मैं फिर समझा देता हूँ कि एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ला इन्फिनिटी से किसी पार्टिकुलर पॉइंट के इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने के लिए जो हम लोग वर्क डन करते हैं ना, वो हम लोग का कहलाता है क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम लोग मेजर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की। तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम टू सेम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की तरह होता है, लेकिन थोड़ा सा इसमें डिफरेंस आ जाता है। ये डिफरेंस आता है कि वो इन्फिनिटी से नहीं, किसी एक पॉइंट से, मान लो पॉइंट ए से पॉइंट बी पर लाने, इसमें ऐसा होता है, ठीक है। तो इसमें हम लोग बात कर लेते हैं। इसमें ये होता है कि पॉइंट ए पे जो कोई पॉजिटिव चार्ज होगा ना, कोई पॉजिटिव चार्ज होगा, मान लो 1 कूलम पॉजिटिव चार्ज है, इस 1 कूलम पॉजिटिव चार्ज को पॉइंट बी तक लाने के लिए जो हम लोग वर्क डन करेंगे ना, जो हम लोग वर्क डन करेंगे वो हम लोग का क्या कहलाएगा भाई, पोटेंशियल डिफरेंस। तो इस बार और समझा देता हूँ मैं इसको, इस पॉइंट को एक बार अच्छे से सुन लीजिए। तो इसको हम लोग कहते हैं कि एक पॉजिटिव चार्ज को, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को किसी एक पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट के इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने के लिए जो हम लोग वर्क डन करते हैं वो हम लोग का कहलाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। क्या कहलाता है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग मेजर कर सकते हैं, किससे मेजर कर सकते हैं भाई, तो वोल्ट मीटर से हम लोग इसको मेजर कर सकते हैं। इसको किससे मेजर कर सकते हैं, वोल्ट मीटर से। तो पोटेंशियल डिफरेंस का एक फार्मूला होता है, क्या होता है भाई, वर्क डन बाई चार्ज। तो पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग डिनोट करते हैं वी से, वर्क डन को डिनोट करते हैं डब्ल्यू से, और चार्ज को डिनोट करते हैं क्यू से। तो वी इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, ये हम लोग का फॉर्मूला बनता है, ठीक है। अब इसका यूनिट देख लेते हैं भाई कि इसका पोटेंशियल डिफरेंस का क्या यूनिट होता है। तो इसका यूनिट होता है वर्क डन का यूनिट बाई चार्ज का यूनिट। तो वर्क डन का यूनिट होता है जूल बाई में कूलम, ठीक है। चार्ज का यूनिट तो हम लोग को पता ही है कूलम होता है, और वर्क डन का क्या होता है, जूल होता है। तो जूल बाई कूलम, या हम लोग को इसको बोल सकते हैं वोल्ट, वोल्ट भी बोल सकते हैं, या जूल बाई कूलम भी बोल सकते हैं। तो हम लोग को इसका ऐसा यूनिट तो पता चल गया, क्या होता है ऐसा यूनिट, वोल्ट होता है। पोटेंशियल डिफरेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है, वोल्ट होता है। और ये किसके ऑनर में रखा गया था, किसके किसके नाम पे रखा गया था भाई, तो ये किसके नाम पे रखा गया था भाई, तो एलेसेंड्रो वोल्टा, एलेसेंड्रो वोल्टा के नाम पे ये रखा गया था वोल्ट, ठीक है। तो आगे चलते हैं हम लोग। तो एक क्वेश्चन आता है, डिफाइन 1 वोल्ट, 1 वोल्ट को डिफाइन करने का क्वेश्चन आता है, हमेशा पूछता है। तो 1 वोल्ट को डिफाइन करने का हम लोग देखते हैं कैसे डिफाइन करेंगे हम लोग। तो 1 वोल्ट को हम लोग डिफाइन करते हैं कि देखो, एक एक चार्ज को, एक चार्ज को किसी एक पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट तक मूव कराने के लिए जो 1 जूल का हम लोग वर्क डन करते हैं ना, वही हम लोग कहलाता है 1 वोल्ट। मतलब 1 कूलम के चार्ज को एक पॉइंट से, 1 कूलम के चार्ज को, मान लो 1 कूलम का चार्ज है पॉइंट ए से पॉइंट बी तक लाने के लिए हम लोग जो 1 जूल का, कितना 1 जूल का जो वर्क डन करेंगे ना, वो हम लोग क्या कहलाएगा भाई, 1 वोल्ट। समझ गया ना आप लोग, 1 वोल्ट क्या होगा। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछता है कि डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का 1 वोल्ट। वो तो पोटेंशियल डिफरेंस का था भाई, बेसिक था। अब इसका बात कर लेते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का क्या था। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का हम लोग भी देख लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का होता है कि देखो कि 1 वोल्ट होगा ना, जो 1 वोल्ट होगा, देखो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कि 1 वोल्ट क्या होगा। तो देखो,
एक कूलम के चार्ज को किसी इन्फिनिटी से किसी पार्टिकुलर पॉइंट तक लाने के लिए जो हम लोग 1 जूल का वर्क डन करेंगे ना, वो हम लोग का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का 1 वोल्ट कहलाएगा। ठीक है, सेम टू सेम होता है, दोनों सेम ही होता है, बस हल्का सा इन्फिनिटी आ जाता है, वहाँ 1 पॉइंट आ जाता है, तो यही होता है। अब हम लोग एक क्वेश्चन कर लेते हैं कि ये क्वेश्चन है भाई कि हाउ मच इनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज थ्रू ए 6 वोल्ट बैटरी। तो पहले भाई किसी भी क्वेश्चन को बना, कोई भी न्यूमेरिकल बनाने से पहले ना क्या गिवन दिया हुआ ये देखते हैं। गिवन हम लोग क्या दिया हुआ भाई, 6 वोल्ट दिया हुआ है पोटेंशियल डिफरेंस, गिवन यहाँ दिया हुआ है, देख लीजिए यहाँ पे देखिए 6 वोल्ट, तो पोटेंशियल डिफरेंस लगा क्या 6 वोल्ट। यहाँ पे चार्ज भी दिया हुआ था ईच कूलम ऑफ, तो मतलब कितना चार्ज, चार्ज क्या है क्यू, क्या क्यू का वैल्यू 1 कूलम का, ठीक है 1 कूलम। निकालना क्या, वर्क डन निकालना, एनर्जी का बात कर रहा मतलब वर्क डन निकालना है, तो हम लोग वर्क डन निकाल, फार्मूला भी हम लोग देखा था, क्या फार्मूला था भाई, तो फार्मूला हम लोग का था वी इक्वल्स टू डब्ल्यू बाई क्या, डब्ल्यू बाई क्यू, यही ना था। तो हमको तो वी पता है 6 है, क्यू हमको पता है 1 है, डब्ल्यू हमको नहीं पता है, निकालना ये 1 इधर जाएगा तो इनटू में, तो 6 कितना, तो कितना होगा देख लेते कितना होगा, तो यहाँ पे होगा 6 × 1 डब्ल्यू, तो डब्ल्यू इक्वल्स टू 6 निकल गया हम लोग का, कितना होगा भाई, तो 6 जूल होगा हम लोग का, निकल गया वर्क डन कितना 6 जूल। तो एक क्वेश्चन मैं यहाँ देता हूँ, आप लोग करके देखिएगा, अगर हो जाता है तो ठीक, अगर नहीं होगा तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं इसका सॉल्यूशन करके बना के वीडियो भेज दूंगा आप लोग को। ठीक है, तो आगे चलता हूँ, अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट का। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक किसी कंडक्टर में अगर इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करे किसी रेट पे, क्या रेट पे भाई, तो एक किसी मान लो कोई चार्ज, कोई इलेक्ट्रिक कोई कंडक्टर है, उसमें 1 सेकेंड में कितना चार्ज फ्लो करता है, 1 सेकेंड में कितना चार्ज फ्लो करता है, वो हम लोग क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक करंट कहलाएगा। ठीक है, मान लो हम वही बोल रहे हैं, मतलब सेम जहाँ कुछ नहीं है कि देखो किसी मान लो कोई कंडक्टर है कितना टाइम लगाता है चार्ज को वो फ्लो करवाने में उस कंडक्टर से, वो क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक करंट कहलाएगा, सिंपल सा बात है। आगे चलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को लोग किससे मेजर करते हैं, तो मीटर से मेजर करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट का एक फार्मूला होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज बाई टाइम, मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज को किससे डिनोट करेंगे, तो डिनोट करेंगे आई से, चार्ज को क्यू से, और टाइम को यहाँ टी गलत हो गया था, टी नहीं होगा सेकेंड होगा, क्या होगा सेकेंड होगा, ठीक है एस, ठीक है क्यू बाई एस कर देंगे, तो क्यू बाई एस से इसको डोनेट करेंगे, तो हम लोग का आएगा क्या भाई, तो क्यू बाई टी होगा टी से डोनेट करते हैं, टाइम को किसे डोनेट करते हैं, तो टी से डोनेट करते हैं, सॉरी यहाँ पे होगा, यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ा गया, नीचे वाला मैं बताने लगा था सॉरी, तो किसे, तो टी से डोनेट करेंगे। ठीक है, अब यूनिट क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट का, ये भी देख लेते हैं, करंट का यूनिट, तो चार्ज का जो यूनिट होगा और जो टाइम का यूनिट होगा वही तो होगा भाई करंट का यूनिट, तो चार्ज का तो हमको पता है कूलम होता है, और टाइम का क्या होता है भाई सेकंड होता है, तो कूलम भाई सेकंड हो जाएगा, सॉरी यहाँ गलत टाइम नहीं होगा, सेकंड होगा, तो सेकंड हो जाएगा। और इसको एक और नाम से जानते हैं क्या, एम्पेयर, और एम्पेयर, ठीक है एम्पेयर के नाम से जानते हैं, और ऐसा यूनिट क्या हो गया इलेक्ट्रिक करंट का, तो एम्पेयर हो गया। इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा यूनिट क्या होता है, एम्पेयर होता है, और किसके ऑनर में रखा गया था, किसके नाम पे रखा गया था ये भी देख लेते भाई, तो एंड्री मैरी एम्पेयर के नाम पे इनका ये रखा गया था एम्पेयर। ठीक है, ये आगे चलते हम लोग, तो 1 एम्पेयर को भी हम लोग डिफाइन करते हैं, डिफाइन 1 एम्पेयर, 1 एम्पेयर क्या होता है, तो 1 एम्पेयर ये होता है किसी कंडक्टर में 1 सेकेंड में अगर 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो करता है तो वो क्या कहलाएगा, 1 एम्पेयर कहलाएगा। ठीक है, किसी कंडक्टर में 1 सेकेंड में अगर 1 कूलम चार्ज फ्लो करता है तो वो क्या कहलाएगा, 1 एम्पेयर हम लोग उसको कह देंगे। ठीक है, अब हम लोग यहाँ बात करते किसका, डायरेक्शन का बात करते किसका, इलेक्ट्रिक करंट का। तो देखो इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन होता है ना कि एक कंडक्टर के बाहर मतलब आउटसाइड द कंडक्टर पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है। ठीक है, लेकिन कंडक्टर के अंदर ना नेगेटिव से पॉजिटिव जाता है। तो जो हम लोग जो होता यूँ है कि जो कन्वेक्शनल डायरेक्शन का हम लोग बात करते हैं ना, जो उसका अनुरूप और एकदम जो हमेशा माने हुए आया जा रहा है, मानते हैं क्या मानते हैं भाई, तो हमेशा कभी बैटरी देखोगे, अगर तुम बैटरी भी देखोगे भाई तो बैटरी में क्या देखते हो, यहाँ नेगेटिव होता है, यहाँ पॉजिटिव होता है, और कहाँ से कहाँ जाता भाई, तो हमेशा एक करंट कहाँ जाता है, पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है। लेकिन इनसाइड द कंडक्टर होता है, इनसाइड द कंडक्टर ये होता है कि वो हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव जाता है। ठीक है, बस यही होता है।
तो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल जाता है किस में, इनसाइड द कंडक्टर में। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे, तो देखो यहाँ पे हम यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है, ठीक है कि नहीं। अब देखो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है ना वो नेगेटिव से पॉजिटिव जाता है, लेकिन डायरेक्शन ऑफ करेंट जो होता है ना वो हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे एक और चीज़ जान गए, क्या जान गए कि जो करेंट का डायरेक्शन होता है ना, जो करेंट का जो क्या डायरेक्शन होता है भाई, करेंट का डायरेक्शन क्या होगा, हमेशा अपोजिट होगा। किसके किसके अपोजिट होगा, तो हमेशा इलेक्ट्रॉन के अपोजिट होगा। तो द डायरेक्शन ऑफ करेंट इज ऑलवेज अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन के हमेशा अपोजिट होगा किसका डायरेक्शन, करेंट का डायरेक्शन। तो ये था हम लोग का एंड इस वीडियो का, और अगले पार्ट में हम लोग बात करेंगे ओम्स लॉ, इलेक्ट्रिक सर्किट, सर्किट डायग्राम, ये सब के बारे में बात करेंगे पार्ट थ्री में। और अभी के लिए बस इतना ही, थैंक यू। और LSS करना ना भूले, LSS करना ना भूले, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।